वायु गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग रेडी हम बागड़ी हाँ भाई साहब से पूछते हैं आप दो दिन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ज्यादा कुछ ठीक नहीं रहा क्योंकि पहले से कोई प्लान ही नहीं थी तो प्लानिंग कौन सा हनीमून पे जा कुवारे बंदों के लिए यही हनीमून है वही बोलो तो प्लानिंग सभी को गुड मॉर्निंग तो हम निकल रहे हैं तो भाई हम निकल रहे हैं अमेर साइड तो अपनी गाड़ी से जाएंगे हम ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी से जाएंगे हम अपनी गाड़ी से हैं गाड़ी साफ भी करी है ऐसा बताओ अपनी गाड़ी में हम दोनों अपनी गाड़ी में आएंगे बाकी ये लोग बस में जाएंगे और हम बस में जा रहे हैं हमारी पूरी टीम बस में जाएंगे तो बने रहे बस स्टार्ट भी कर दिया देखो बस चल भी रही है ना हमारे आते साथी इधर है आपको दिख ही रहे हो पर अविरेंद्र भाई अपना साथ देने वाले पूरे परफॉर्मेंस हम दोनों होंगे पूरे पूरा रास्ता हम इंजॉय करेंगे बाकी जो मतलब और सर अपना ब्रेकफास्ट शेयर कर रहे हैं गुड मॉर्निंग सर सर आपके लिए कुछ बचेगा वो बाहर है चलो आज पार्टी लेते हैं तेज प्रकाश वहाँ मिलेगा है ना सर ने कर दिया हमारा थोड़ी देर में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे यात्रीगण से निवेदन है कि कृपया अपनी अपनी पेटी बांध ले मुझे छू रही है तेरी गर्म सांसें लहरा उठा ये दिल सागर से उठने वाली हर लहर को सलाम इन मस्त मस्त नीली झील सी आंखों में अपना ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है जूम करो इसको कलाकारी देखते हैं अब भाई थोड़ा सा हमें भी घुमाने देना भाई साहब घुमाओगे अरे घुमा लूंगा मैं एक देसी घी में बना रहे अभी देसी घी में वाओ देसी घी में भाई साहब देखो खाएंगे आज राजस्थान जलेबी खाएंगे और देसी घी में रोटी है वो भी ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट पहली बार नहीं भाई साहब बताओ ये कल भी मैंने मना किया था क्या चक्कर है जैसे हमारा जो अपर बेल्ट है जो हरियाणा पंजाब इधर का तो है नहीं कि ट्रेडिशन या कुछ भी कि सुबह ब्रेकफास्ट में आपको जलेबी यहाँ का क्या मतलब यहाँ की सर स्पेशल आमिर की गुंजी है नमकीन है अच्छा जी ट्रेडिशनल है यहाँ की हाँ जी हाँ जी ब्रेकफास्ट में जलेबी है समोसा है कचौरी है ये ब्रेकफास्ट में आपके पास यहाँ पे ना यहाँ पर ठीक ये ज़्यादा चलती है जयपुर में और क्या खास क्या जलेबी में क्या खास रहती है आप किस तरीके से बना लेते हो जैसे जलेबी सर देसी घी में बनती है और मटेरियल क्या यूज़ करते हैं मटेरियल शुगर यूज़ करते हैं इसके अंदर अच्छा और कैसे मतलब क्वांटिटी कैसे ज़्यादा की कम किस तरह मीडियम रखते हो आप स्वीट मीडियम शुगर ठीक ठाक यानी ज़्यादा भी नहीं एक लिमिटेड होनी चाहिए आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना एक सेकेंड थोड़ा अपने बंदे दबाना पड़ेगा दबाते रहो ओ भाई कलाकारी दिखाने लगे वाओ ये देखो अपने स्पार्टन्स लगे हैं और हमारी पूरी टीम देखिए वहाँ तो ब्रेकफास्ट में जलेबी के साथ क्या रहेगा कोफ्ते आलू कोफ्ते मतलब पकोड़े आलू के आलू के पकोड़े वाओ हाउ यू फील कैसा लगा आई फील ऑसम ऑसम खोल दोगे क्या नेक्स्ट टाइम जलेबी वाला
रेस्टोरेंट है, जलेबी का भंडार खोलो और ऐसे ही बनाते रहना। नहीं, भगवान ने मुझे खाने खाने के लिए बनाया, बनाने के लिए नहीं बनाया। अच्छा अच्छा, नहीं आपने बहुत अच्छा बनाया, ऐसा कुछ नहीं। तो ये एमसी के अंदर होगा या पंचायत की इस किस्त के अंदर है? ये सर नगर निगम आता है। एमसी के अंदर है, तो ये टाउन में आ गया भाई। तो आपका वैसे टाउन के साथ कोई सटा है, कोई गांव सटा हुआ है ना? दिल्ली हाईवे के आगे गांव, टाउन ही टाउन है। अच्छा, इस साइड को दिल्ली पड़ता है, दिल्ली हाईवे आता है, दिल्ली हाईवे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे हाईवे है। ये होटल है, इस साइड ये होटल है, के रोड लेस ये वाली ना, के रोड लेस। जो हमारा लंच होगा वो लंच में आप हमें क्या क्या खिलाएंगे? आप हमें लंच में चूरमा, दाल बाटी, अच्छा, और कड़ी और दाल और ट्रिपोरे मिर्ची के। यहाँ के फेमस है, फेमस है, राजस्थानी खाना है, राजस्थानी खाना है। मैंने कभी खाया नहीं यार, राजस्थानी यहाँ का। आप कल्चर के हिसाब से देखोगे ना राजस्थान का, जयपुर में तो आपको हर ढाबे पे या हर रेस्टोरेंट पे ये दाल बाटी चूरमा जरूर मिलेगा। तो और यहाँ से एक्साइटमेंट हो रही है हमारा ना, सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस है दाल बाटी चूरमा को लेकर। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट ही बनाना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ने यही कहा था, भी लगेगा कि हाँ पहली बार खाया था, अच्छा टेस्ट आ रहा है। और सर ने ज्यादा मसाले मत डालना, ज्यादा ऑयल मत करना, अपने ऑयल से बढ़। मुझे तो सच में एक्साइटमेंट हो रहा है कि कब खाए यार, कल से सुन रहा हूँ। आलू काजू वगैरह है, ड्राई फ्रूट है, आलू का है, किशमिश है, अनार है, मटर है, मटर है, मटर है, अनार। भाई साहब या देखो या पूरी तरीके से ये क्या ले सकते हो? एक ये वाला हमने लिया एक, आप देखते हैं इसको कैसा है, टेस्ट करो यार। थोड़ा चेक ले लो, नहीं आप आ जाते आ जाते, इतना बड़ा ले लो। और भाई साहब ने यहाँ देखो पूरा ड्राई फ्रूट्स भर भर के डाले हैं, वो मिठाई का टेस्ट भी आ रहा है। अरे अब ड्राई फ्रूट्स में देखो इसमें क्या क्या डाला है, सौंफ डाल दी है, काजू डाला है, यहाँ ना जो पकौड़े बन रहे देखो, जायका देखो है इसमें, आलू है देखो जो ये बनाया है ना, साबुन देखो, ड्राई फ्रूट्स डाले, साबुत धनिया है, हरा धनिया बहुत कुछ इसमें डाला है, ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, अनार डाला है आपका, ये सारा खत्म हो जाएगा ना तब आएगी मिर्ची मुंह में। भाई ऑल इन वन सब डाला हुआ, सौंफ से लेके काजू। ऑसम भाई, बहुत मजा आ गया है। अबे शेयर कर रहे भाई, हेलो भैया, भाई साहब तो लगे पड़े हैं पूरे तरीके से, मजा आ रहा है साहब। नहीं बहुत बढ़िया, हां इसने उसको जो गए ना बात, ये चुटकी पे चल रही है या बाहर के, बाहर के भाई, राजस्थानी जलेबी जबरदस्त फ्लेवर। टेस्ट में अव्वल नंबर का भाई, एक नंबर, मजा आ गया। ये देखो पकौड़े, बाबा कैसा है ब्रेकफास्ट? बढ़िया। रेटिंग क्या दोगे ब्रेकफास्ट का? आउट ऑफ 10 9.5। आ रहे हुआ जबरदस्त, बिल्कुल नहीं ये नहीं, जलेबी जो बनी है ना यार, जलेबी बढ़िया। तो दोस्तों हम निकल रहे हैं अमेर फोर्ट के लिए, मंगे हाउस द जोश। अच्छा ठीक है, आ रहे आ रहे, हाउस द जोश सोनी साहब, चलो चलो। सोनी साहब कहाँ पहुँच गए हम? अमेर फोर्ट, सही बात है। अच्छा दोस्तों, तो हमारा फील्ड्स सॉरी हमारा चलो ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया है, अब हम पहुंचे हैं अमेर फोर्ट। वाओ, और फील कैसा आ रहा? ठीक है, तो बढ़िया दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। कौन है गाइड, कौन है कोई कोई बताएगा कुछ? गाइड आ रहे अमेर किला, बस
हमारे पूर्वजों ने बनाया था। हाँ सब राजपूती है, मान सिंह प्रथम जो थे उन्होंने इनका इसको बनाया था। मान सिंह फर्स्ट। अच्छा ओके। गर्मी बहुत है क्यों? भाई सबके अकाउंट में आना चाहिए। ये देखो आमिर फोर्ट का जो स्टार्टिंग व्यूज। गूगल मामा है गाइड। गूगल नहीं बोलेगा, गाइड ही बोलेगा। ये दोस्तों Wow, the famous song, Gadar. Oh my God. Guys, this is Amit Fort. तो दोस्तों हम पहुंचे हैं अभी आमिर फोर्ट। जयपुर का ये खूबसूरत नजारा। ओ अंकल जी, गजानन जी भाई साहब। ओ भाई बहुत दूर है यार, ये उधर तक है? जी वो दूसरा है। अच्छा वो दूस सेपरेट है, वो सेपरेट है ये वाला ऊपर वाला। हाँ, वो जैकेट है ना भाई। ये देखो फोर्ड। सर कौन सा कह रहे सर? नहीं कोई ये वाला कह रहे थे। हाँ ये वाला कह रहे थे सर। भाई क्या हो गया, सुस्त हो गए? पसीना पसीना हो गया? आज मैं तो वैसे आया हूँ यार। पहले आ चुके हो? मैं तो वाला चीज है अभी असली किला तो ऊपर है। तो और ये वाला क्या है? ये ऊपर वाला ये भी किला है। तो इसके लिए अभी दूसरा किला है इसका लग रहा है। यहाँ से क्या रास्ता? ओ यार ये तो टीम लीडर भी आए हैं इनके, तो इमेजिनरी बाउंड्री भी है। 12 बजे बंद हो जाएगा मंदिर। हेलो क्या है 12 बजे बंद? ये टीम सही है यार। मानते मान सिंह जी प्रथम, उन्होंने राजा केदार थे जो कि पंजाब साइड के। अच्छा। उनसे जब युद्ध लड़ा अकबर की सेना में, ठीक है, मुगलों के, वो मुगल सेना के साथ ही थे। सेना उनके अंडर लगती थी, मुगलों के अधीन था ये किला। ओके। तो ये क्या है कि वहाँ पे जब केदार से जब युद्ध देख के आए थे। हाँ जी हाँ जी। वहाँ से जो शीला देवी है उनकी मूर्ति वहाँ से लेके आए थे। अच्छा। यहाँ पे आके उन्होंने इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया। ठीक है, माता का मंदिर है ना जी। हाँ, नाम शीला देवी का मंदिर। शीला देवी। तो दोस्तों हम शीला देवी मंदिर पहुँचने वाले हैं, है ना। यार आमिर का किला बहुत फेमस किला है और ये पता राजस्थान का सबसे अमीर किलों में जाता है ये वाला। हाँ, जो सबसे धनी जो लोग रहते हैं मतलब आमिर के, एक्चुअल में मान सिंह जो है इन्होंने क्या है कि सबसे पहले तो मुगलों की जो सबसे पहले मुगलों से अधीनता स्वीकार की थी उस वजह से। ये है आमिर
गेट यार। इसमें एक वो सुनाऊंगा, जोक सुनाऊंगा आपको मैं अच्छा सा, चूरमे पे जोक सुनाऊंगा। क्या हुआ था, एक बार कोई फॉरेनर आया तो ऐसे ही सर्व किया गया, सबसे पहले रख दी बाटी, तो उसको बोलता तुमने पेपर वेट तो रख दिया, खाने का लाओ कुछ। वैसे आया सब सही। ये क्या चीज है, ये वाली क्या चीज, बाटी फिलहाल भूल लगी है। जयपुर आमेर पैलेस में हम रुके हैं भाई साहब, अब थक गया है। आमेर फोर्ट देखे, बहुत हालत खराब है, गर्मी में भाई साहब बुरी हालत हो गया है। अब हम खाएंगे बाटी चूरमा, और बस दो मिनट में आ रहा हूँ। क्या नहीं आया, ये है क्या चीज है, ये बाटी है, बाटी बाटी करण, ये बाटी है, ये दाल बाटी है, ये चूरमा है। चलो मैं बैठ जाता हूँ भाई। तो हम घूम आए थे आमेर फोर्ट, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, हम विजिट भी कर रहे तो 12:30 बजे के बाद हमारा ट्रेनिंग सेशन जो चला था वो 11:30 बजे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। तो हम नियर बाई आए हैं आमेर फोर्ट विजिट के लिए भी, और साथ में अपना एक टूर जैसा प्रोग्राम बनाया था हमारे SSOs, हमारे MOSPI FOD ZO KR ऑर्गेनाइज़र, काफ़ी अच्छी फैकल्टी है ZO में जयपुर में, सभी को मैं हार्दिक अपनी तरफ से तो अपनी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूँगी उनका, इन्होंने जो हमारा वेलकम करा बहुत अच्छे से करा, और अभी भी देखो हमें अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं बहुत ज़बरदस्त, चूरमा कोफ्ता पता नहीं क्या क्या खिला दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, पर बहुत अच्छा खाना था, एक लोकल डिश थी। आज गर्मी बहुत तेज़ हो रखी है, मुझे मेरी आंखें भी नहीं खुल रही इतनी गर्मी हो रखी है फिलहाल, और हमारे साइड तो अभी शायद मौसम ख़राब हुआ पड़ा है या कई जगह तो बर्फ़ ही पड़ रही है। तो बने रहे हैं दोस्तों मेरे चैनल पे ही, तो आप लोगों को मैं फिर लेके जाऊंगा। आज देखते हैं हमारा 3rd डे एंड लास्ट डे इन जयपुर, तो ऑफिशियली तो हमारा लास्ट डे है आज, शायद हम रुक जाएं या नाइट से निकल जाएं चंडीगढ़ के लिए, या मे भी कल जा सकते हैं, अभी प्लानिंग कुछ नहीं है। अभी हमें ऑफिस जाना है अपने ZO केशव नगर। तो दोस्तों हम अभी पहुँचे हैं जल, क्या है ये जलमहल है, तो हम पहुंच चुके हैं जलमहल। तो दोस्तों ये है जलमहल, जलमहल तो इसकी खासियत क्या है सर, थोड़ा सा आप बता देंगे। बस बीच में महल है ये, अच्छा चारों तरफ पानी है। ये सर ये महल कब का पड़ा हुआ है, ये बर्तन वो, ये तो राजा महाराजाओं के टाइम का है, रानी रहती थी इसमें, अच्छा तो वो पानी सूख, मतलब अमूमन हर कोई राजा वहाँ तक नहीं पहुँच सके, इसलिए बीच में पानी था, ठीक है, तो वो और जो जिसकी पर्सनल थी वो वहाँ पहुँच जाया करता था। ओके, तो ये इसका इतिहास रहा है। चलो नहीं, कई बार जैसे पानी ज्यादा भर गया हो इसमें बर्तन, फिर तो महल भी डूब जाता हूँ। ये पूरा जल महल का आपका व्यू दिखा देता हूँ, उधर वाला जो रोड दिखा ना सामने वो दिल्ली रोड है बाबी। तो दोस्तों यार जयपुर का एक्सपीरियंस अलग ही रहा, मस्त मजा आ गया अपने जोगेश भाई से पूछ सके सर, स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव है, मजा आ गया। शंभो जय हो शंभो, वाओ बोले भाई साहब क्या सीन है यार, अंदर तो एंट्री नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है, तो हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बहुत ही प्यारा, सुनो मेरा एक चैनल है दोस्त, इससे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको थोड़ा पता थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज दिया था, तो मेरे दोस्तों को कुछ बोलिए आप यार। मैं यही बोलना चाहता हूँ आपके दोस्तों को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें भाई के चैनल को, और बहुत सारा प्यार दे भाई को,
थैंक यू। थोड़ा सा बता देंगे, ये जो एक से दोस्तों यहाँ पे मुझे यहीं से फोर्ट दिख रहा बहुत ज़बरदस्त। हाँ दोस्तों, जो आपको दिख रहा है ये मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, ये मुझे फोर्ट दिख रहा है। तो इसके बारे में मैं यहीं के हम मुझे यहाँ दिख गए साथ में, तो अपने भाई साहब से थोड़ा सा, भाई साहब अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम टिकू शर्मा है, ठीक है। मैं जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा जी, लेकिन ये फोर्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, ये साल में एक बार ही खुलता है। अच्छा, साल में, इसका रीजन बता दीजिए। यहाँ की जो महारानी गायत्री देवी थी उनके बेटे जगत सिंह थे। अच्छा जी, वो यहीं पर ही रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके लिए अब वो तो रहे नहीं, लेकिन उनके ये बस एक ही साल में एक बार ही, यहाँ पर ऊपर शिव टेम्पल है। साल में कब? शिव टेम्पल है ऊपर? हाँ, शिव टेम्पल है। साल में एक बार? साल में एक बार ही खुलता है, शिवरात्रि वाले दिन। शिवरात्रि। चलो, एक दिन के लिए खुले? बस एक ही दिन के लिए खुलता है। तो उस दिन कैसा रहता है, क्राउडेड? फुल क्राउड रहता है। आज तक मेरे को भी 32 साल हो गए मेरे, मैंने आज तक कभी ऊपर तो यहाँ तक नहीं, नीचे तो क्राउड होता होगा, पूरा क्राउड रहता है। तो ये तो पोर्शन पूरा देखिए, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ ये पोर्शन काफी आगे से होगा, ये पूरा फुल होता होगा, है ना? वो बैक साइड से पूरा, यानी कि पूरा रोड ये रहता है, बंद रहता है। बंद रहता है क्योंकि इधर से नहीं, इसका बैक साइड से रास्ता है। वहाँ से कोई पंडित जी वगैरह तो रहते हैं? पंडित जी रहते हैं, पूजा होती है, बस वो नीचे आते हैं, बस। अच्छा, फोर्ट के अंदर ही है मतलब? बस वहाँ पर नीचे आते हैं, रोज जाते हैं, लेकिन अदरवाइज लोकलाइज जो पॉपुलेशन होते हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए अलाउ नहीं है। तो गाइस, आज का दिन 12 अक्टूबर, अभी 8:15 बजे टाइम। तो हम जैसे ही बस स्टैंड जयपुर पहुंच गए, ये बस स्टैंड का 2-3 बस स्टैंड है, बस स्टैंड है ना जयपुर में, यहाँ पे ना 2-3 बस स्टैंड है। एक गवर्नमेंट की बस स्टैंड है, गवर्नमेंट रूट की जो जितनी भी बसें उनके अलग से बस स्टैंड है, और सेकेंड वन ये प्राइवेट जितनी भी लॉन्ग रूट की बसें हैं उनके लिए स्पेशल बस स्टैंड है। वैसा भाई थोड़ा बहुत जो हमें नॉलेज में आया यहाँ के, क्योंकि पिछली बार जब मैं यहाँ चंडीगढ़ से यहाँ जो विजिट करा था उस टाइम तो हमने रेल से ही विजिट करा, तो रेल से तो हमें टिकट मिली नहीं, तो हम बस स्टैंड आ गए। मैं कहा यहीं से बस मिल जाएगी, तो थैंक गॉड की बस मिल भी गई है। जैसे पहुँचे 7:30 बजे मैंने टिकट लेना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ है जो मेरे नॉलेज में आई है, वो आप लोगों को भी मैं शेयर करना चाहूँगा। यार यहाँ पे ना बसों में स्लीपर भी लगा हुआ है, सबसे मेन चीज़, और ये सुपर डिलक्स और सुपर वोल्वो बसेस है, हमारे हिमाचल में तो ये चलती भी नहीं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये व्यूज़ दिखाना चाहूँगा, ये थोड़ा सा किस तरीके से यहाँ पे है, किस तरह पर लगे हैं, बट मजा आने वाला, ये नहीं कि सीट सीटी वाला है ना भाई, ये पूरा सीन देखो, मजे में बैठे हुए बनने, ऐसा लग रहा है कमरे में बैठे हुए हैं, बिल्कुल कमरे वाला फीलिंग है। और इधर के देखो, सिंगल सीट है ये पूरा, स्लीपर है ये बस में भी ना सीट, और सब जगह लगे, ये ऊपर भी लगे हैं, पूरे बस का सीन दिखा रहा था आपको यार, वाओ अल्टीमेट। और ऐसा लग रहा है हम बस में नहीं है, कमरों में है, बहुत लंबी। और हमारे बंदे आगे भी बैठे हैं, एक बंदा है जिसको ये स्लीपर पसंद नहीं है, वो सीट पे बैठा हुआ है। पर यार गाइस मज़ा आ रहा है यार, इतनी दूर जाना है जयपुर से चंडीगढ़, वो भी ट्रैवल करना अपने लिए तो बहुत दिक्कत वाली सी, हमसे ना हो पाया। और हमारे हिमाचल में ऐसी बसें तो लगती भी नहीं है, ना कभी लगेगी, क्योंकि लॉन्ग रोड पे यही पॉसिबिलिटीज़ है, वो भी प्लेन एरिया में। आगे सीट भी लगा है हमारे बंदे, ये सीटें भी लगी है, तो हमारे बंदे यहाँ पे भी बैठे हैं, और पर्दे लगे हैं सब में, फर्स्ट क्लास।